Lecture 4. Consider the language S star, where S is equal to A space B. How many words does this language have of length 2, of length 3, of length n? तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए लेंथ लेक्चर 3 जो था जिसके अंदर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था n की पावर m. n का मतलब था नंबर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट और m का मतलब था लेंथ या पावर. इस क्वेश्चन को मैंने इस लेक्चर के अंदर इसलिए रखा था कि आपको साथ साथ मैं जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी साथ साथ सॉल्व करवाता जाऊं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होती जाए और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे. तो ये फार्मूला मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट और एम की मतलब होता है लेंथ या पावर. तो इस सवाल को हम देखें. कंसीडर द लैंग्वेज एस स्टार वेयर एस इज इक्वल टू ए बी, मतलब इसके अंदर कितने लेटर्स हैं? हमारे पास दो लेटर्स हैं. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट मतलब कितने हुए? दो हुए. ठीक है, एक बात आप ये नोट कीजिएगा. हाउ मैनी वर्ड्स डज दिस लैंग्वेज ऑफ लेंथ टू, मतलब लेंथ यहाँ पे आएगी, पहले टू देखना है, फिर थ्री देखना है और फिर एन देखना है. तो हमने लिखा टू, टू की पावर टू, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे? टू. और लेंथ कितनी? टू. तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? चार बनेंगे. मतलब इस लैंग्वेज के लिहाज से अगर लेंथ टू के आप वर्ड्स बनाएंगे वो कितने बन सकते हैं? चार. और दूसरा लेंथ थ्री, तो हमने टू रखा और लेंथ कितनी रखी? थ्री. कितने बनेंगे? आठ. तो मतलब इस लैंग्वेज के लेंथ थ्री के वर्ड्स कितने बनेंगे? आठ. और लेंथ एन के वो तो टू की पावर एन, टू की पावर एन बनेंगे वर्ड्स. बस इतना सा सवाल था. अगले लेक्चर के हम देखेंगे कि क्लीन स्टार क्या होता है. क्लीन क्लोजर मतलब पॉजिटिव स्टार क्या होता है. एक स्टार होता है स्टेरिक और दूसरा होता है पॉजिटिव क्लोजर. वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.